कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूँ तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने कल क्वेस्ट छोड़ा था। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव है वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे जाके थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करना। इससे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि लास्ट टाइम जब हमने वेपन्स वगैरह अपग्रेड किए थे तो हमने वो किया था एक कमेंडेशन की पर्ची से। तो वो पर्ची मिलती है सिर्फ ज़ोरा मैकडोरस के क्वेस्ट में। इसका मतलब है कि अगर मैं एक बार बोर्ड के पास जाकर अगर तुम्हें दिखाऊं कि लास्ट टाइम हमने जो क्वेस्ट किया था, जो असाइंड क्वेस्ट में था द कोलोसल टास्क, जिसमें हमें रीडायरेक्ट करना था ज़ोरा मैकडोरस को, तो उससे हमें रिवॉर्ड्स में मिले थे कुछ कमेंडेशन टिकट्स। अब वो एक ऐसा क्वेस्ट है जो बहुत ही रेयरली या फिर कह सकते हो कभी कभी एज अ चांस ऑप्शनल क्वेस्ट में हमें दिखाई पड़ता है। तो हो सकता है कि अगर फाइनल लेवल ऑप्शनल क्वेस्ट तुम्हारा अनलॉक है तो यहाँ पर यहीं कहीं पर वही कोलोसल टास्क का जो क्वेस्ट है वो फिर से आ जाएगा, और वही हमारा मौका होता है और ज़्यादा कमेंडेशन क्वेस्ट वगैरह उठाने का, सॉरी कमेंडेशन की पर्ची वगैरह उठाने का, ताकि हम बाकी के वेपन्स भी अपग्रेड कर सके। तो यार अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो चल लेते हैं वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे। इससे पहले बात कर लेते हैं कुछ NPCs से, देखते हैं उनके पास अपने को ऑफर करने के लिए क्या है। तो मैं जाऊंगा सबसे पहले एल्डर मेल्डर के पास। जैसा कि देख सकते हो यार, एल्डर मेल्डर एक वाइवेरियन है, जो प्रजाति है इन इंसानों की, उसको वाइवेरियन कहते हैं। और एल्डर मेल्डर कहती है, हंटर, how have you been? As you can see, I decided to move to Astera. From now on, I'll be conducting my research here. You'll come by to see me often, won't you? My specialty is melding, a technique developed by the first Vivarians. It allows us to change one type of matter into another. Do you have any items you're willing to part with? I'll turn them into something more useful. Or I'm not the Elder Melder. तो यार basically कहना ये चाहती है कि अगर गेम में कोई ऐसा आइटम है जो एक्सचेंजेबल हो लेकिन तुम्हारे पास उसके लिए पैसे नहीं हो, या फिर ऐसा कोई रिसोर्स हो जो बहुत ज़्यादा रेयर हो और वो रिसोर्स एक्सचेंजेबल होगा बाकी रिसोर्स के बदले, तो तुम एल्डर मेल्डर के पास आ सकते हो। तुम उसको कुछ रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हो और एल्डर मेल्डर विल मेक श्योर कि वो जो रिसोर्स है वो एक बेटर या फिर वर्स या फिर एक रेयर रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाए। सो व्हाट कैन आई मेल्ड फॉर यू? तो देखते हैं यार ऑप्शन में क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं मेल्ड आइटम में गया और मेरे पास अभी ऑप्शंस है ऊपर की तरफ, ऑल में जाऊंगा या फिर पोशंस में जाऊंगा या फिर रॉकेट्स में जाऊंगा। तो यार पोशंस की वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, इनको बहुत ही इजीली तुम क्राफ्ट कर सकते हो। जो मेन चीज़ है वह है मॉन्स्टर पार्ट्स। जैसा कि यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा रैथियन सरप्राइज, रैडोबान मैरो, रैथलॉस मैरो, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। जो रेयर मॉन्स्टर पार्ट्स होते हैं वो है प्लेट्स अभी के टाइम पे, जैसे कि यहाँ पर है ऑडोगेरोन प्लेट, रैथियन प्लेट, एंजनाथ प्लेट, रैथलोस प्लेट और लेगियाना प्लेट, और ये है कुछ टिकटें। तो इन पर्चियों को और इन स्पेसिफिक पार्ट्स को बहुत ही रेयर माना जाता है। जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही एक शाइनी सा आइकन है यहाँ पे जो बाकियों में नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए मेल्डिंग यूज़ होती है। तो अभी हमारे पास कुछ इकट्ठा करने के लिए है नहीं, बाकी के NPCs से बात करके देखते हैं। तो स्मार्ट बायोलॉजिस्ट ये क्या कहते हैं? Splendid, the fifth fleet, just who I was looking for. As present, we are the Research Commission Survey and Capture Squad, or the Go-Getters for short, are studying the Kulu Yaku behavior. We are hoping to capture one alive, accustomed to the scout flies, its unique characteristics, and then release it.
that will allow us to track the monster and uncover its mode of life. And there's nothing in the world I desire more than that right now. Hence my decision to request help from the fifth. I would like to perform the capture for us. Good luck. The quest is called Snatch the Snatcher. Any assistance you could give would be most appreciated. एक और ऑप्शनल क्वेस्ट ऐड हो चुका है जिसमें हमें कैप्चर करना है कुलू या कू को, तो उसको मैं बाद में देखता हूँ। तो लेड बैक बोटैनिस्ट, देखते हैं इनके पास कहने के लिए क्या है। Oh my, it's finally sprouted, which means our ancient tree research can really start to flourish. I couldn't wait for a moment. I set up a quest right away. Would you mind signing up for prickly predicament? We're trying to determine how we can increase the types of fruits and berries the trees produces. But we need a lot of plant samples to do it, and you look like you need some relaxing botany work. Greeting. फिर से वही repeated tasks है। Dialogues same है, लेकिन quest वगैरह में थोड़ा differentiation है। Can I ask for a favor? तो इस बार इनके लिए favor करना है ये सब चीज़ें harvest करने में, जो है कि एक aqua sack. और एक्वासैक जहाँ तक मुझे याद है वो हमें मिल सकता है यूराटोटस से। तो यार एनपीसी से बहुत बातें हो गई, अब मैं निकल लेता हूँ वाइल्ड स्पायर वेस्ट के लिए। देखते हैं कि यहाँ पर मुझे कौन से नए मॉन्स्टर्स या फिर कौन से नए क्वेस्ट मिल सकते हैं या फिर कौन से नए रिसोर्सेस मिल सकते हैं। लोडिंग टाइम का मोमेंट बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड रहता है, मैं चुप रहता हूँ, वीडियो प्ले नहीं हो रही होती, तुम बोर होते हो। खैर कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं करना क्या चाहता था, हाँ मुझे वेपन चेंज करना था, तो मैं उठा लेता हूँ इंसेक्ट ग्लेव, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ग्रेट स्वॉर्ड से ही हंट किया था, तो इस बार मैं कोशिश करूँगा थोड़ा इंसेक्ट ग्लेव का भी यूज़ कर लूँ। तो यार चल दिया अपन वाइल्ड स्पायर वेस्ट के इन्वेस्टिगेशन में। यहाँ पर साइड में सिंपली लिखा है इन्वेस्टिगेट द वाइल्ड स्पायर वेस्ट, ये नहीं लिखा कि क्या चीज़ इन्वेस्टिगेट करना है। तो अभी शायद मुझे वाइल्ड स्पायर वेस्ट के 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे पता करने के लिए कि ओ एक नई प्रजाति, और ये छूट गया, और शायद नहीं, शायद हाँ। कोशिश करता हूँ कि कभी भी अगर मुझे कोई नई प्रजाति मिलती है तो उसको अपने कैप्चर नेट से कैप्चर कर लूँ। बट दैट सेड, चल लेते हैं वाइल्ड स्पायर वेस्ट में। मॉन्स्टर हंटर के इन्वेंटोरी मैनेजमेंट का सिस्टम एक और फीचर है इसमें, तो बहुत जल्दी ही तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं आइटम पाउच में जाके कुछ चीज़ें डिस्कार्ड कर देता हूँ, जैसे कि फायर हर्ब हो गए, फायर हर्ब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और टोड स्टूल की भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। टोड स्टूल यूजुअली यूज़ होते हैं जहरीले गैसेस क्राफ्ट करने में, जिसे तुम मॉन्स्टर को पॉइजन स्टैट्स डैमेज दे सकते हो, तो इसकी भी अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। खैर अगर मैं क्राफ्टिंग पाउच में जाऊँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँ ट्रैंक बॉम्ब्स को, राइट, और मैं इसमें एनेबल ऑटो क्राफ्टिंग करूँ, तो जब भी मैं कोई स्लीप हर्ब उठाऊँ, अगर कंडीशन मैच करता है कि मेरे इन्वेंटोरी में एक पैराशरूम मौजूद है, तो अगर मैं स्लीप हर्ब उठाता हूँ तो ट्रैंक बॉम्ब जो है वो अपने आप क्राफ्ट हो जाते हैं, जैसा कि तुम साइड में देख सकते हो।
चलो यार वाइल्ड स्पायर वेस्ट का इन्वेस्टिगेशन करते हैं कंटिन्यू। स्काउट फ्लाइज कुछ खास रास्ता दिखा रहे हैं नहीं। मैं जाके चेक करता हूँ अपने फेवरेट एरिया में जो है जूरा टूटस का एरिया। उम्मीद है वहाँ पर मुझे एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो क्लूज मिल जाए। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर भी कोई खास क्लूज मिलने वाले नहीं हैं। सिर्फ कुछ नए हड्डियाँ मिली है। तो यार इनको मैंने कर लिया है कलेक्ट। चल लेता हूँ मैं आगे की तरफ कुछ नए क्लूज वगैरह ढूंढने। और क्योंकि एक तरफ मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, कोशिश करता हूँ कि वाइल्ड स्पायर वेस्ट की दूसरी तरफ एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिल जाए। इन छोटे प्राणियों को देख लो, इनको कहते हैं गजालाकास। ये ऐसे प्राणी होते हैं जो हंट में बेसिकली तुम्हें डिस्टर्ब करने आते हैं। और जैसा कि देख सकते हो बैरोथ यहाँ मौजूद है। मुझे इससे पंगे नहीं लेने क्योंकि इससे लड़ना नहीं है मुझे इस मिशन पे, तो मैं कर दूंगा इसको इग्नोर। और मैं बढ़ जाऊंगा आगे। शायद ये पहला नहीं, ये तो बैरोथ का ही मड बात है। ये भी बैरोथ का फुटप्रिंट है। कुछ नया दिख नहीं रहा। स्काउट फ्लाइज भी मदद नहीं कर रहे। बैरोथ इसको भी मैं इग्नोर करता हूँ जैसे मैंने अपने एक्स को इग्नोर किया था। और ये मुझे मिले हैं कुछ नए डूडल्स, इनको मैं कर लेता हूँ कलेक्ट। और इनको देखकर लगता है कि ये डियाब्लोस के स्क्रैचेस है, इनको भी मैं कर दूंगा इग्नोर। बैरोथ बैरोथ कुछ नई चीज दिखने में आ नहीं रही है। यहाँ पर भी देख सकते हो काफ़ी सारे स्काउट फ्लाइज है, तो चलकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिल सकता है। और एक और डूडल। और यहाँ पर गड्ढा दिख रहा है, कूद के देखते हैं क्या है क्या नहीं। शुरू शुरू में मुझे लगा था एनवायरनमेंट जो है वो उन पत्थरों और पहाड़ों के पास ही ख़त्म हो जाता है। ये गड्ढा मैंने देखा नहीं था पहले। शायद यहाँ पर कुछ नए सीक्रेट्स अनलॉक हो। और ओ लगता है बिल्लों का अड्डा है। और मेरा बिल्ला उस बिल्ले से बात कर रहा है और वो कहता है The others still aren't back yet. I must go look for them. Hi there. We are from Research Commission. Did something happen here? Research Commission. Oh, the ones who live in the strange house. The other protectors and I were coming back to this hideout, but on the way back, a Baroth charged us. The others panicked and we got separated. I hear your people are good hunters. Will you help bring my three friends back here? We'd consider it a privilege. We'll consider it a privilege. Okay. But they may not trust outsiders if they see you come in. Use your capture net to catch them before they run. Just be gentle. Once you find all three, bring them here. Please help my people.
तो एक और मिशन मिला है मुझे इन बिल्नों से। ऑप्शनल क्वेस्ट है, उसको मिशन के बीच कभी भी कर सकते हैं। तो कैंप साइट में ढूंढ चुका हूँ, वो भी कंप्लीटली बाय एक्सीडेंट। और गलत जगह आ गया मैं, सीधे डियाब्लोस के डेन के पास। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से निकल लो। हाँ, निकलने से पहले कर लेता हूँ थोड़ी माइनिंग। तो यार डियाब्लो एग्रोज हो चुका है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता इसको, इसको भी मैं इग्नोर कर दूंगा। जब भी एक मॉन्स्टर एग्रो हो और तुम मॉन्स्टर के रेंज में हो, तो तुम्हारा स्टैमिना बहुत जल्दी ड्रेन होता है। ये क्या हुआ? ओ नो 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 नो, मुझे इससे अभी पंगे लेने हैं नहीं। परफेक्ट। तो यार मॉन्स्टर हंटर में क्वेस्ट के लिए कंफ्यूज होना भी क्वेस्ट का ही एक हिस्सा है, तो पेशेंस रखो, सब्र रखो और देखते जाओ सफर तुम्हें कहाँ पहुँचाता है। ऐसे एक्सपीडिशंस क्वेस्ट में यूजुअली फायदा ये होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेस। ओके, तो पहला ट्रेल मुझे मिल चुका है यार, रैथियन का नहीं, रैथलॉस का ट्रेल लग रहा है ये। पूके पूके को मुझे अभी करना है हंट। हैंडलर ने मेरा क्वेस्ट बदल दिया है, तो सबसे पहले मैं करूंगा पावर अप्स। और पावर अप्स के बाद मैं कोशिश करूंगा इसको एक स्टन देने की। शायद मैं गलत जगह अटका हुआ हूं। और बुरा फेल था वो। फूके फूके भाग क्यों रहा है? मैंने तो अभी तक उसको डैमेज सही से दिया तक नहीं। कर देता हूं मैं इसको टेंडराइज। कर लेता हूं पावर अप। और अरे बाप रे, ये यार जहरीली गैस वाला मूव था, तो ऐसा लगता है कि इसकी पूंछ मुझे काटनी पड़ेगी। और पूंछ पे हो चुका है वार और कट गई है इसकी पूंछ। गुड शॉट। कर लेता हूं मैं इसके पूंछ को लूट और उसके बाद खत्म करूंगा पूरे पूके पूके को। शायद लूट के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा डॉज। और जैसा कि तुम देख सकते हो, मेरे पावर अप्स खत्म हो चुके हैं। फिर से मैं हो चुका हूं पॉइजन। थोड़ा गैप लूंगा और इसने फिर से मुझे पॉइजन कर दिया। और कोशिश करूंगा खुद को हील करने की।
मेरे पास अभी तक रेड पावर अप नहीं है तो मैं ज्यादा डैमेज कर नहीं पा रहा। ओके, भूखे भूखे भाग रहा है, लेकिन कब तक? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पुके पुके और डियाब्लोस एक ही साथ मिलने वाले हैं। तो डियाब्लोस मिल चुका है यार, और पुके पुके नीचे है। और इन दोनों में टर्फ वॉर नहीं, टर्फ वॉर क्राइम कहलाएगा वो। एक और बार, कोशिश करता हूँ इस पर सवार होने की, और पहली बार में ही हो गया सवार। मेरा स्टैमिना बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुका है, देखते मैं टिक पाता हूँ कि नहीं। होपफुली टिक जाना चाहिए, या शायद नहीं, शायद नहीं। एनीवे यार, डियाब्लोस भी तैयार है मुझे अटैक करने के लिए। गलत टाइमिंग, डियाब्लोस, बैरोथ और पुके पुके एक ही अरीना में, ये टाइम बहुत गलत है इन लोगों के बीच में रहने का। तो मैं दूर जाता हूँ, इन तीनों को लड़ने देता हूँ। तब तक मैं करूँगा अपना वेपन शार्प, और डियाब्लोस और बैरोथ का शुरू हो चुका है टर्फ वॉर। ये नज़ारा मिस नहीं कर सकते। दोनों ने एक दूसरे पर चार्ज किया, और डियाब्लोस पूरी तरीके से अपना डोमिनेशन दिखाते हुए, और शायद बैरोथ को एक अंडरग्राउंड अटैक मिलने वाला है, और बैरोथ ख़त्म ऑलमोस्ट। तो बैरोथ को मारो गोली, डियाब्लोस अभी अपने पीछे पड़ चुका है। तो मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मैं जाऊंगा पुके पुके के पास। होपफुली पुके पुके और बैरोथ का एक और टर्फ वॉर देखने को मिले। ओके, तो एक दूसरे के सामने है, टर्फ वॉर शायद नहीं होएगा। मैं इसके सर पे ग्रैब नहीं कर पा रहा, और बुरा मूव, हेल्थ बहुत कम हो चुकी है। बहुत ही नियर मिस, और ये मेरी तरफ से बेवकूफ़ी। करना नहीं चाहिए था, बट पावर अप के ग्रीड में आके मैंने किया। एनी हाउ, यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। स्टैमिना बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, तो सिर्फ अभी एक ही तरीका है, मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा रेशन। गलत बटन दब गया, मेरी उम्मीद थी कि मैं इंसेक्ट ग्लेव के जंपिंग से ही इस गैप को पार कर सकूं, बट एनी हाउ यार पुके पुके मिल चुका है, तो मैं इसको करता हूँ एग्रो। अब वो आएगा मेरी तरफ, और इसके सर पर मैं करूंगा क्रैप। एक शॉट और ये फ्लिंच शॉट।
हेडशॉट। एक और बार। बैरोथ और पुके पुके के बीच में मैं फंसना नहीं चाहता। पुके पुके भागने की कोशिश में है दोस्तों, लेकिन उस चिड़िए को पकड़ते हैं आज। लेकिन अपना स्टैमिना धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। बैरोथ रुकने का नाम नहीं ले रहा। डियाब्लो साइड में खड़ा है। ट्रिपल थ्रेट शोडाउन चल रहा है दोस्तों, और मैं इसके लिए बिल्कुल काबिल नहीं हूं। वेपन आर्मर इतना है नहीं। तो पुके पुके था अपने डिफॉल्ट लोकेशन पे। देखते हैं इनसे क्या पावर अप मिलता है। ओके, रेड पावर अप, बहुत अच्छे। रेड पावर अप यानी कि डैमेज इंक्रीज, और मैं इसको दूंगा सर पे एक हेडशॉट। नाइस, बढ़िया डैमेज। दहाड़ने का बहुत ही बुरा टाइमिंग। तो यार मिस्ट्री अभी ये है कि पुके पुके का जो ओरिजिनल हैबिटेट रहता है वो होता है जंगल, यानी कि एंशिएंट फॉरेस्ट। तो पुके पुके एक वीरान जगह पे, यानी कि वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे कर क्या रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन इसी के लिए था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एंड मुझे इसी नोट पर करना पड़ा कि पुके पुके को मरना पड़ेगा। शायद वो एंशिएंट फॉरेस्ट से अपनी जान बचाने के लिए आया था, लेकिन एंड में उसको मरना ही पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं, एस्टेरा वापस जाएंगे। और मैप से मैं इसलिए कुछ अभी कर नहीं पाया क्योंकि मैं एग्रोड था और मेरा जो वाइल्ड लाइफ मैप था, जो मिनी मैप था, वो रेड था। तो इसका ये मतलब है कि मैं फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता। तो क्योंकि मिनी मैप अभी न्यूट्रल है, मैं चलता हूँ एस्टेरा पे वापस। रिवॉर्ड्स कुछ खास है नहीं। Is everyone present? Good. Let's begin this emergency council session. Okay. Since we resolved the mystery surrounding Zora Magdaros, I've received some alarming news. Field team reports that they're observing a shift in monster behavior, namely invading other territories. On top of this disturbing information is the sudden appearance of older and more powerful monsters. Much more powerful than the types of monsters we're used to seeing around here. A number of hunters have already been hurt, some with very serious injuries. And I believe the fifth has more information they'd like to add. Yes, sir. The other day we discovered a strange trail in the Wildfire Waste. My opinion is that it belongs to a Rathian, but I'm not 100% sure. The size and other distinctive traits are there, but something is off. Monsters are growing more powerful. And now, we might even have a new species on our hands. I highly doubt this is a coincidence. So, what do you suggest we do, Commander? Our damn jobs. We're a research commission. Get to researching. And while we're at it, we need to achieve two things. First, those dangerous monsters need to be taken care of. I'll be sending our best teams to each area. Second, we need to pick up where the fifth left off and gather more evidence on that new monster. While you're out there,
Keep your eyes peeled for any clues. Understood, sir. We won't let you down. Good. But exercise extreme caution. These monsters are nothing like the ones you've encountered before. Dismissed! तो यार कमांडर की बातें सुन ली तुमने। बेसिकली हो ये रहा है कि नए और पावरफुल मॉन्स्टर्स जो है वो न्यू वर्ल्ड पे आ चुके हैं और उनके आने के कारण मॉन्स्टर्स जो है अपने हैबिटेट वगैरह बदल रहे हैं। तो वही रीज़न था कि वाइल्ड स्पायर वेस्ट में एक पुके पुके देखने को मिला जो कि उसका यूजुअल हैबिटेट है नहीं। तो क्या चलते हैं पोस्ट न्यू क्वेस्ट पे और यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा। ऊपर लिखा है सर्च फॉर रैथियन ट्रैक्स। तो यार जब भी ऐसी चीज़ें लिखी होती है इसका मतलब दो चीज़ें हैं, तुम चाहो तो एक्सपीडिशन क्वेस्ट लेकर के रैथियन के ट्रैक्स सर्च कर सकते हो या फिर जैसे अभी मैं करने वाला हूँ, तुम चाहो तो कोई ऑप्शनल क्वेस्ट उठाओ और उन ऑप्शनल क्वेस्ट में तुम चूज कर सकते हो कोई भी ऐसा क्वेस्ट जो वाइल्ड स्पायर वेस्ट में चल रहा हो। तो चलते हैं यहाँ से मीट ऑफ द मैटर जो है रोटेन वेल पे। एंशिएंट फॉरेस्ट सारे कर चुके हैं हम कंप्लीट। एक और चीज जो मैं शायद बताना भूल ही गया था, अगर अपन मैप खोलते हैं ना, मैप कहाँ गया, अगर अपन मैप खोलते हैं और हम जाते हैं वर्ल्ड मैप पे, तो अगर मैं कोई भी लोकेल सिलेक्ट करूँगा तो इसमें तुम देख सकते हो कोई भी तीन तरह के मॉन्स्टर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे एंशिएंट फॉरेस्ट में है रैथियन, कुलुयकू और रैथलॉस। रॉटन वेल पे है रेडोबैन, ओडोगेरोन और ग्रेट गीरोस। कोरल हाईलैंड्स में है लेगियाना, टिज़ियाकू और पाउलूमू। वाइल्ड स्पायर में है रैथियन, जुराटोटस और बैरोथ। तो अपने को कोई सिंबलिज्म नहीं लिखा है जिससे कि कोई एनोमली वगैरह डिटेक्ट हो, लेकिन अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा दिखे कि किसी भी मॉन्स्टर पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल बना हो, इसका मतलब वहाँ पर एक नया मॉन्स्टर मौजूद है और उसको अपने को करना है हंट। और मैं तुम्हें बता दूँ, अभी तक हम खेल रहे थे लो रैंकिंग लेवल पे और अब मैंने अनलॉक कर लिया है हाई रैंक। इसका मतलब है कि अगर मैं ऑप्शनल क्वेस्ट में जाऊँ तो तुम्हें दिखेगा कि ब्लू स्टार से मैं आ चुका हूँ ऑरेंज स्टार क्वेस्ट पर और ऑरेंज स्टार का मतलब है हाई रैंक मॉन्स्टर्स। तो आगे की फाइट और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, और ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, और ज़्यादा रश होने वाला है आगे की फाइट्स में। तो यार सबसे पहले मैं जाऊँगा ऑप्शनल क्वेस्ट पर, देखता हूँ वाइल्ड स्पायर वेस्ट पर और कुछ है क्या। पुके पुके उसको मैंने किया अभी अभी हंट। हाँ तो वाइल्ड स्पायर वेस्ट में अभी है कुलुयकू के कैप्चर होने का क्वेस्ट, तो इसको मैं कर लूंगा सिलेक्ट। कैप्चर के लिए मैं पहले चेक करूंगा अपना इन्वेंटोरी आइटम पाउच और देखकर लग रहा है कि कैप्चर के लिए सारे सामान मेरे पास है। एक बार मैं जाऊंगा अपने बोटैनिस्ट के पास और देखूंगा कुछ नया कल्टीवेट करने को है कि नहीं। शायद नहीं। एनी हाउ तो क्राफ्टिंग में जा करके सबसे पहले मैं कर लेता हूं अपने लिए एक ट्रैप क्राफ्ट, क्योंकि कैप्चर का क्वेस्ट है और बिना ट्रैप के मैं कुछ कैप्चर कर नहीं सकता। तो निकल चुका हूं मैं कुलुयकू को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने पास कुलुयकू के इनफ एविडेंस है। तो कोशिश यही रहेगी कि मॉन्स्टर को कैप्चर करना है, मारना नहीं है, भले ही मारने में कितना भी मजा आए। और मुझे डर है कि कहीं मैं कुलुयकू को मार ना दूं, क्योंकि मैं
उठा के लाए हो अपने साथ ग्रेट स्वॉर्ड, और ग्रेट स्वॉर्ड की खासियत है बहुत बड़े बड़े डैमेज देने वाला वेपन है। तो यार वहाँ पर जो मुझे कुछ फुटप्रिंट्स मिले थे, अगर तुम एनवायरनमेंट को अच्छे से रीड कर सको तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पर किसी का तो भी नेस्ट है, और नेस्ट में मुझे दिख रहे हैं अंडे, और ये मुझे दिख रहे कुछ और फुटप्रिंट्स। तो चांसेस है कि ये जो नेस्ट है ये डियाब्लोस का हो या फिर किसी नए मिस्ट्री मॉन्स्टर का हो जिसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन डियाब्लोस तो ऑलरेडी डेन में रहता है, तो मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि मैं जिस मिस्ट्री मॉन्स्टर की तलाश कर रहा हूँ वो इसी मिस्ट्री मॉन्स्टर का नेस्ट हो। तो देखते हैं आगे बढ़ के कि अपने को कौन सा मिस्ट्री मॉन्स्टर मिलता है। और यार देख सकते हो वाइल्ड स्पायर वेस्ट जो है वो दिन के समय में कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एक सेकेंड रुक करके यहाँ पर एक अच्छा सा नज़रिया ले लो। तो कहाँ था मैं, हाँ अपने को ढूंढना है कुलू यकू को। तो कुलू यकू यूजुअली रहता है थोड़े पानी वाले एरिया में, और कुलू यकू की गुफा जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम जब अपन ने हंट किया था उसको, तो वो था यहीं कहीं के आसपास। वैसे तो यहाँ पर तो सिर्फ बैरोथ के ही फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, और ये शायद पहला फुटप्रिंट मिला है जो कुलू यकू का हो। एक और फुटप्रिंट, एक और। अभी तक मैप में मिस्ट्री मॉन्स्टर ही दिखा रहा है और मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं वो कुलू यकू के ही है, क्योंकि इतने छोटे फुटप्रिंट्स और किसी के वैसे हो नहीं सकते, एक कमज़ोर जानवर के ही हो सकते हैं। और ये मुझे मिल चुका है पहला क्लू। तो स्काउट फ्लाइज ने पकड़ लिया है कुलू यकू का सेंट, और मैं चल दिया उसकी तलाश पे। ओके तो यहां पर है, तो इसको देता हूं एक बुरा हाल। एक और हिट, हिट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बैरोथ और कुलियकू, बैरोथ को मैं करूंगा इग्नोर, और कुलियकू के पीछे मैं वैसे ही पड़ जाऊंगा जैसे मेरे कुछ दर्शक इंस्टाग्राम मॉडल के पीछे पड़ जाते हैं। वाटर मॉस को मैंने कलेक्ट कर लिया है, और अब मैं इसको कर सकता हूं वॉल बैंक। वॉल बैंक नहीं हो क्या? बैड हिट, डॉज, हिट, और इसके स्टन होते ही मैं करूंगा अपने स्वॉर्ड को चार्ज, और बूम, एक हिट, दो हिट, फिर से हो चुका है ये स्टन। तो जल्दी से एक चार्ज स्लैश करने की कोशिश करता हूं। तर देख सकते हो कुलू यकू के मिनी मैप में एक स्केलेटन सा निशान बनने लगा है, और कुलू यकू लड़खड़ाने लगा है। तो मैं क्या करूँगा, अपना शॉक ट्रैप निकाल के रखूँगा और वेट करूँगा इसके
स्थिर होने का एक जगह पे, ताकि शॉक ट्रैप मिस ना हो जाए, क्योंकि क्राफ्ट करने के लिए दूसरा शॉक ट्रैप मेरे पास रिसोर्सेस कम है। तो यही चीज होती है गैदरिंग के लिए, कि अगर गैदरिंग सही से लेवल्स पे करोगे नहीं, जैसे कि मैंने नहीं किया शुरू के एपिसोड्स पे, तो एक टाइम बाद रिसोर्सेस कम होने लगते। कुलियोके ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है यहाँ पे, और मुझे ये नहीं पता अपने प्लेयर के लिए इतनी बड़ी छलांग का ऑप्शन क्यों नहीं है। तो मैं ये कर देता हूँ शॉक ट्रैप सेट, और ये मैंने कर लिया उसको कैप्चर। तो ये मिशन हो चुका खत्म। कुछ खास क्लूज मुझे मिले नहीं यहां पर पे वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे, तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपीडिशन जो है अपना वो हाई रैंक स्पेसिफिक मिशंस पे ही करना पड़ेगा, या फिर हाई रैंक स्पेसिफिक क्वेस्ट पे ही करना पड़ेगा। तो इसको करने का बेस्ट तरीका है कि मैं मैप में जाऊं और सिलेक्ट करूं एक हाई रैंकिंग मैप और चल दूं क्वेस्ट पे। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं वो कैसे करते हैं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, मेरे पास मैप ओपन होते ही ऊपर लो रैंक और हाई रैंक का ऑप्शन दिखाने लगा है अभी। तो बेसिकली डिफरेंस ये है कि अगर मैं हाई रैंक में जाता हूँ और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स दिखा रहे हैं वो मॉन्स्टर्स है जो पुराने लो रैंकिंग वाले मॉन्स्टर से अलग है, यानी कि मॉन्स्टर का डिज़ाइन सेम रहेगा, चेंज क्या होता है उनका मूव सेट, उनके एनिमेशंस बदल जाएंगे, उनके अटैक करने का पैटर्न बदल जाएगा और उनका डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है हमें फुल प्रिपरेशन के साथ चलना पड़ेगा। तो अगर तुम देख सकते हो हाई रैंक में एंशिएंट फॉरेस्ट में एक ऐसा मिस्ट्री मॉन्स्टर है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, एंशिएंट क्वेस्ट के लिए निकल लूंगा एक एक्सपेडिशन पे, और होपफुली अपने क्वेस्ट में जिस किसी भी मिस्ट्री मॉन्स्टर का टैग लगा हो वो मिस्ट्री मॉन्स्टर्स मुझे देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ नया होगा नहीं क्योंकि रैथियन का टैग लगा था, लेकिन लास्ट टाइम जो दिखा था वो कुछ रेडिश कलर के स्केल्स थे, तो शायद वो रैथियन ना हो, शायद वो कुछ और हो या कुछ और ना हो, क्वेस्ट में पता चलेगा। तो क्वेस्ट से पहले मैं कर लेता हूँ एक मील, पे विथ मनी, शेफ चॉइस प्लेटर, ऑल राइट, हेल्थ 30% इंक्रीज, स्टैमिना 30% इंक्रीज और अटैक बूस्ट मुझे मिला है यहाँ पे। एंशिएंट फॉरेस्ट में हो रही है बारिश, उम्मीद करता हूँ बारिश में जो फुटप्रिंट्स वगैरह है वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि ये गेम का एक और मैकेनिक है, कभी कभार बारिश हो तो फुटप्रिंट्स वगैरह बहुत ही रेयरली दिखते हैं। जब भी हाई रैंक में तुम आओगे तो जो रिसोर्सेस मिलते हैं मैप्स में वो भी चेंज होने लगेंगे, यानी कि लो रैंक में जैसे मुझे हर जगह पे आयरन ओर मिलता था, हाई रैंक में मुझे कुछ रिसोर्सेस वगैरह है वो चेंज हुई मिलेगी। तो यार पहला फुटप्रिंट मिल चुका है और हैंडलर ने कह दिया है कि वो मिस्ट्री मॉन्स्टर का ही ट्रेल है, तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ कुछ प्रूफ। क्वेश्चन मार्क में अभी भी मुझे दिखा रहा है कि ये रैथियन है,
तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि राथियन का ही कोई और वेरिएशन होगा, जैसे कि कुलुयकु का हमने देखा था टिट्ज़ियकु एक वेरिएशन है, उसी तरीके से राथियन का भी शायद कोई और वेरिएशन होगा। और यार टोबी कडायची निकल चुके हैं अपने रेगुलर स्ट्रोल पे, इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं इसके रास्ते से निकल लूँगा। टोबी कडाची ये क्या है? ये है ब्लेजल गीस यार, ये राथियन नहीं है, और मुझे नहीं लगता मैं इससे अभी लड़ सकता हूं, तो मैं मार लेता हूं यहां से कल्टी। एक बार क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं इस मॉन्स्टर को। पहन लूंगा मैं गिली मैंटल। गिली मेंटल का यानी कि मतलब है कि एक इनविजिबिलिटी अपने को मिल जाती है। तो देख सकते हो जैसे गिली मेंटल पत्तों से कवर्ड है, तो बेसिकली मॉन्स्टर्स को ऐसा लगता होगा कि एक चलता फिरता पेड़ है ये। और यार इसका डिजाइन देखो एक बार, बहुत बहुत ही अलग किस्म का मॉन्स्टर है ये। और पंखों के साइज देखो इसके, और जितना उसके बॉडी को देखकर लग रहा था, उस मॉन्स्टर का शेल जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है आर्मेंडिलो से। मिस्ट्री मॉन्स्टर ढूंढने निकले थे, फुटप्रिंट्स तो अपने को टोबी कदाची के ही मिल रहे हैं। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो अपने को एक और मिस्ट्री मॉन्स्टर देखने को मिल ही गया है, जो कि नाम भूल गया मैं उसका, ब्लेजल गीज। तो उसको एक और मिस्ट्री मॉन्स्टर फाइंडिंग में काउंट कर सकते हैं, लेकिन गेम को देखकर लगता नहीं कि गेम अपने को उस ही मिस्ट्री मॉन्स्टर के बारे में बता रहा है। तो यार एंजिनाथ के भी फुटप्रिंट मिल चुके हैं, लेकिन मिस्ट्री मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स मिल नहीं रहे। तो यार एंजिनाथ को मैं कर लेता हूं इग्नोर, और एक और बार बेजल गीज यहां पर मौजूद है। और बेजल गीज और एंजनाथ लगे हुए हैं लड़ने पे। एंजनाथ फंस चुका है पेड़ों की बेलों पे, और बेजल गीज अभी उसी को देख रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा? दोनों के दोनों मॉन्स्टर एक इलाके पे अपना हक जमाने की कोशिश में, तो मौका देखते ही मैं निकल लेता हूं यहां से। और थोड़े से क्लूज मुझे मिल चुके हैं। स्काउट फ्लाइज अभी तक कुछ खास हेल्प कर नहीं रहे। थोड़े और ट्रेल्स, बहुत अच्छे। जैसे कि यार तुम देख सकते हो मैं बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी ट्रेल मुझसे या फिर कोई भी स्काउट फ्लाई पिकअप मुझसे मिस हो जाए। गुफा के अंदर देखता हूं क्या है। गुफा के अंदर अगर कुछ होगा भी तो मुझे नहीं लगता मिस्ट्री मॉन्स्टर इसके अंदर घुस पाएगा, बट मेरे को सिर्फ उम्मीद इसीलिए है क्योंकि मैंने एंजनाथ को उसके अंदर घुसते हुए देखा था। एंड स्पीक ऑफ द डेविल, एंजनाथ इधर ही है, तो मैं इसको करता हूँ इग्नोर।
और लगता है इसने मुझे देख लिया है, तो मैं यहाँ से कल्टी मारता हूँ। और यार ये मेरे पीछे पड़ चुका है। मिस्ट्री मॉन्स्टर्स के और कुछ ट्रेल दिखने को ही नहीं मिल रहे हैं। इस जगह पर एक बार चेक कर लेता हूँ और देखकर नहीं लगता तो बैड लक। दूसरे कैंप में मैं करूँगा फास्ट ट्रैवल और तलाश जारी करूँगा अपनी वहीं से, क्योंकि जितना मुझे लगता है एक एरिया है जो अभी तक मैंने सर्च नहीं किया, वो है जो रैथियन का एक्चुअल जो इलाका होता है, यानी कि पेड़ के नहीं एंशिएंट फॉरेस्ट की सबसे बड़ी चोटी के आसपास। सिर्फ टोबी कडाची और अंजनाथ के फुटप्रिंट्स यहाँ पर भरे हुए हैं दोस्तों। पेशेंस लूज हो रहा है मेरा, मिस्ट्री मॉन्स्टर मिल नहीं रहा, उसके क्लूज मिल नहीं रहे। जहां देखो वहां सिर्फ टोबी कडाची के फुटप्रिंट्स। बस एक बार लास्ट टाइम मैं करूंगा इस एंशिएंट फॉरेस्ट की सबसे ऊपरी चोटी को चेक आउट। अरे बाप रे, देख सकते हो यार कैसे अपना हक जमाए बैठा हुआ है ये ब्लेजल गीस। इसके पास में जाना नहीं चाहूंगा तो यहां से मैं निकल लेता हूं। और जितना मुझे याद है यहां के वाइन से ऊपर चढ़ते हुए अपने को मिलता है एंशिएंट फॉरेस्ट की सबसे बड़ी चोटी तक का रास्ता, तो वही करते हैं, चढ़ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से स्पाइरल हो करके आगे तक का सफ़र तय करते। यहाँ पर भी कुछ नया क्लू नहीं, मैं निकल लेता हूँ आगे। थंडरबग को मैं कर लूंगा कलेक्ट। ओके, एक और क्लू, शायद सही रास्ते पर मैं जा रहा हूं। और होपफुली एकदम चोटी के ऊपर मुझे वो मिस्ट्री मॉन्स्टर दिखाई दे। और ऐसा नहीं लगता। तेरा मिस्ट्री मॉन्स्टर का नामो निशान नहीं है। मैं क्या करूंगा, एस्टरा में वापस जाऊंगा और देखूंगा किसी और मैप में मिस्ट्री मॉन्स्टर के कुछ निशान है कि नहीं। और वो चीज़ पता करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एस्टरा में जाकर के अपने मैप को रीचेक करना पड़ेगा और उसमें से सारे जोन्स और लोकेशन को एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। और जहाँ पर भी मॉन्स्टर के आइकन के ऊपर क्वेश्चन मार्क दिख करके आता है उस मैप में, या फिर कह सकते हो कि उस इकोसिस्टम में, मुझे एक बार फिर से सर्च करना पड़ेगा। तो मैं चलूंगा फिर से और यहाँ पर देख सकते हो यार एंशिएंट फॉरेस्ट में वो मार्किंग ख़त्म हो चुकी है। कोरल हाईलैंड पे नहीं है, रोटन वेल पे नहीं है और ना ही है वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे। एक बार फिर से एग्जिट करके ओपन करके देखता हूँ।
लो रैंक में शायद दिखाएगा नहीं, हाई रैंक में करता हूँ फिर से स्विच, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो यार जब तक मिस्ट्री मॉन्स्टर मुझे मिलता नहीं तब तक मैं कर देता हूँ एक और क्वेस्ट। और देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास है कुछ और क्वेस्ट जो रिलेटेड है कैंटीन के, कैंटीन के प्रोडक्ट्स को बढ़ाने में, तो वही शुरू करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरे पास है गेटिंग यॉक्ड इन द वेस्ट, और उसके बाद है प्रिकली प्रेडिकमेंट। गेटिंग यॉक्ड इन द वेस्ट पे शुरू करते हैं क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है अंडे पकड़ते पकड़ते शायद कोई ना कोई मॉन्स्टर भी पकड़ा जाए, और अगर मॉन्स्टर पकड़ा गया तो वहाँ पर थोड़ी फाइट भी हो जाएगी। तो क्वेस्ट कहता है डिलीवर हर्बीवोर हैग। तो यार हर्बीवोर के नेस्ट का अड्डा अपने को पहले से ही मालूम था, बहुत ही करीब है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर जाऊँगा और यही कहीं पर है हर्बीवोर का नेस्ट। तो यार ये है हर्बीवोर का नेस्ट, और जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर हर्बीवोर भरे पड़े हैं। इनका अंडा अगर मैंने छू लिया तो मैं ख़त्म। तो मैं क्या करूँगा, मेरे से अंडे छीनने वाले को मैं ख़त्म कर दूँगा। जो लोग पीटा के एक्टिविस्ट है वो कृपया ये गेम ना देखें। ठीक है, तो मैं इनको कर चुका हूँ ख़त्म, इनको मैं कर लूँगा लूट, क्योंकि एज अ हंटर मैं नहीं चाहता मेरे जितने भी हंट्स हो वो बेकार जाए, एटलीस्ट जो भी मैं इनसे उठाऊँ। कहाँ था मैं, एटलीस्ट जिस भी मॉन्स्टर को मैं मारूँ देन आई विल मेक श्योर कि उनके जो पार्ट्स हैं वो वेस्ट ना जाए, वो एटलीस्ट मुझको एनर्जी देने में काम आए। और यार जैसे कि देख सकते हो ये मेरे पीछे पड़ चुका है, तो जैसा कि डिस्कवरी चैनल वाले अरे यार नहीं, इसने मुझे दिला दिया गुस्सा, सॉरी नथिंग पर्सनल, क्वेस्ट की बात है, अपने पापी पेट का बात है। तो यार अब ये चीज़ मुझे करना पड़ेगा फिर से ट्राई। तो मैं जाऊँगा इसके नेस्ट पे और मैंने उठा लिया एक और अंडा, होपफुली दूसरा हर्बीवोर मेरे को मारने ना आ जाए। इसके भागने का एनिमेशन यार बहुत ज्यादा फनी है। और यहाँ पर प्रेजेंट है कुछ और हर्बीवोर, इससे पहले कि वो मुझे नोटिस कर रहे हैं, उन्होंने मुझे नोटिस कर लिया है और वो आ चुके हैं मेरे पीछे। नहीं 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 नहीं, थोड़ा और नहीं यार, बहुत हो गया, अब और सहा नहीं जाता। अब मैं वही करूँगा जो एक एक्चुअल हंटर करेगा, इससे पहले कि तुम्हारे शिकार को कोई पकड़े तुम उस शिकारी का ही शिकार कर दो। सॉरी नथिंग पर्सनल। अब क्यों भाग रहा है? इनकी यार तो पूरी फौज आ गई।
तो सारे एप्सरोस को मैं कर चुका हूँ ख़त्म। बहुत ज़्यादा टाइम, अरे यार नहीं, तो यार कुलू यकू यहाँ पर आ चुका है, उसके अंडे लेने से पहले मैं अंडा लेके भाग जाऊँगा। और अगर अभी कोई नया एप्सरोस दिखता है, उम्मीद करता हूँ वो कुलू यकू के पीछे पड़े, मेरे पीछे नहीं। तो यार डायनासोर के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। तो अगर तुम डायनासोर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हो तो शायद तुम्हें पता होगा कि माइक्रो रैप्टर या फिर ओवी रैप्टर, आई गेस ओवी रैप्टर सही शब्द है, सही टर्मिनोलॉजी है, ओवी रैप्टर जो डायनासोर्स होते हैं, तो उनके नाम से ही पता चलता है कि वो अंडे चुरा करके खाते हैं। तो ओवी रैप्टर जो है वो फॉसिल कलेक्शन से या फिर उनके बारे में जितनी भी स्टडीज़ करी गई है, ओवी रैप्टर से ये पता चला है कि वो बेसिकली एक अंडों का चोर था। और कुलू यकू का जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ओवी रैप्टर से। और कुलू यकू का डिज़ाइन जो है, ऊपर से डायनासोर, उसका सर क्या कहते हैं, उसका सर एक चिड़िया की तरह है। तो अगर तुम इंटरनेट पे सर्च करते हो ओवी रैप्टर कैरेक्टर शीट या फिर ओवी रैप्टर डायनासोर रिकंस्ट्रक्शन करके, तो तुम्हें भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जिससे ये पता लगता है कि मॉन्स्टर हंटर के डेवलपर्स ने इन जानवरों पर कितने सोच समझ के डिटेल डाली होगी। तो और भी ज्यादा एप्सरोस आ चुके हैं। एक खत्म, दूसरा खत्म, नहीं ओके, दूसरा हो चुका है खत्म। इनका स्पॉन रेट बहुत ज्यादा है यार, जैसे कि तुम्हें दिख ही रहा होगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा करता हूँ नहीं मैं, लेकिन एक अंडा लेने के बाद ही ये लोग स्पॉन हो जाते हैं। लेकिन ये भी है, अंडा चुराते टाइम अगर कोई तुम्हारे पीछे भागे ना, तो थोड़ा वो रश नहीं रहता, क्वेस्ट जो है बहुत ही शांति से कंप्लीट हो जाता है। बट एनी हाउ, अंडा हो चुका है कलेक्ट और ये पड़ चुका है मेरे पीछे, तो यार अब वो रश फिर से आ चुका है। डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ मैं इससे और वो पीछे चिल्लाता रहे। मेरा स्टैमिना बार हो चुका है कम, और नहीं 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 नहीं, जल्दी से चढ़ना पड़ेगा और सक्सेसफुल। अच्छा वो ये जानवर कूद नहीं सकते, वरना अपने कैंप एरिया तक भी पहुंच चुके होते। तो यार दो अंडे हो चुके हैं कलेक्ट, ये क्वेस्ट हो चुका है ख़त्म। तो अभी जाकर फिर से देखेंगे कि जो भी रैथियन है या फिर जो मिस्ट्री मॉन्स्टर है, कोई और मैप में वो स्पॉन हुआ है कि नहीं, उसके कुछ और ट्रैक्स अपने को मिलते हैं कि नहीं। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो एपिसोड होगा बहुत ज्यादा फिलर से भरा होगा, क्योंकि मोस्टली इस एपिसोड में अपन हंट ज्यादा नहीं कर रहे। तो यार हैंडलर ने कहा कि ऑप्शनल क्वेस्ट भी ले सकते हैं, तो मैं ऑप्शनल क्वेस्ट ही सिलेक्ट करता हूं और मैं करूंगा हाई रैंक ऑप्शनल क्वेस्ट सिलेक्ट। और मुझे मन कर रहा है मुझे मन कर रहा है
बैरोथ को हंट करने की, या फिर नहीं बैरोथ को ही हंट करता हूँ क्योंकि हाई रैंक में टोबी कडाची काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, उसके मूवसेट भी काफ़ी बदल जाते हैं। तो मैं करूँगा कैंप वन से शुरू, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर अपने को सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ना ही नहीं है, अपने को मिस्ट्री मॉन्स्टर के ट्रेल्स वगैरह भी सर्च करने हैं। विंग ड्रेक ने मुझे उतारा है गलत जगह पे, इसका मतलब यह है कि आसपास कुछ ना कुछ टेढ़ा चल रहा है, और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो टेढ़ा चल रहा है वो उस मिस्ट्री मॉन्स्टर की वजह से चल रहा हो। नीचे का रास्ता कहाँ है? बढ़िया रोल, गलत रास्ता। बहुत ही सन्नाटा है यार इन जगहों पे, ना किसी मॉन्स्टर की आवाज़ ना किसी ने मॉन्स्टर का ट्रेल। बस एक बड़े से रेत के मैदान में एक अकेला मैं, और ये पहला ट्रेल मिल चुका है लेकिन ये बैरोथ का है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और ये डियाब्लोस के स्क्रैचेस, इसको भी मुझे नहीं देखना। स्काउट फ्लाइज मुझे रास्ता सही से दिखा नहीं रहे, काफ़ी जल्दी स्पॉन हो रहे हैं, काफ़ी जल्दी डी स्पॉन हो रहे हैं। और शायद आसपास बैरोथ है जैसा कि साउंड से पता चला, और यह है बैरोथ की फुटप्रिंट्स। खैर बैरोथ को मैं करता हूँ इग्नोर, मैं बढ़ जाता हूँ आगे। तो ये मुझे मिल चुके हैं कुछ और क्लूज, उम्मीद बस उतना ही एविडेंस कलेक्ट करना था दोस्तों, लेकिन अगर और थोड़े बहुत एविडेंस मिल ही जाते हैं तो उनको भी थोड़े कलेक्ट कर ही लेता हूँ। और स्काउट फ्लाइज भी मेरे को रास्ता दिखा ही रहे हैं तो क्यों ना मैं चेक करूं कि वो दिखाना क्या चाहते हैं। ये है बैरोथ और ये है बैरोथ, आई गेस वो मुझे बैरोथ के पास लेकर जा रहे हैं तो मैं उसको करूंगा इग्नोर। और शायद मैं यहाँ पर किसी हंट के लिए आया था, और शायद मैं बैरोथ के ही हंट के लिए आया था, तो इससे पहले कि मैं क्वेस्ट एंड करूं बैरोथ को हंट कर लेते हैं। तो यार ये एक और मज़ेदार चीज़ है कि तुम किसी भी क्वेस्ट के ऑब्जेक्टिव में, या फिर कह सकते हो किसी भी एक नॉर्मल सी ऑब्जेक्टिव में इतने खो जाते हो कि तुम ये भी भूल जाते हो कि अपना पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब। इसके पैर पे जाऊंगा और मैं करूंगा इसको टेंडराइज, और इसका सिग्नेचर मड अटैक। बैरोथ हो चुका है स्टन, और ये मौका लूंगा मैं, बुरी टाइमिंग, अच्छा डॉज। मैं करता हूं खुद को हील, थोड़े ओपन एरिया में चलते हैं। उसके पूंछ का एनिमेशन खत्म होने तक मैं उसको एक और अटैक दे देता हूं। वहां पर क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया।
ओ बहुत सही टाइम पे डॉज रोल किया, जैसा कि तुमने देखा वहाँ पर आई फ्रेम हो गया, यानी कि इनवल्नरेबिलिटी फ्रेम्स आ गए। एक और शॉट हेड पे, एक और अच्छा डॉज था वो यार। बांकर विला इस क्वेस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। तो यार ये था शोल्डर टैकल, इस पर मैं हो जाता हूँ लैच ऑन और इसके पूंछ को मैं करता हूँ टेंडराइज। देखते हैं अपने पास कुछ शूटिंग करने के लिए एमो है कि नहीं, ताकि मैं उसको एक बार फिर से फ्लिंच शॉट दे सकूं। स्टैमिना हो चुका है बहुत कम, तो समझ सकते हो क्या करना है, इट्स बारबेक्यू टाइम। किस्मत से लास्ट वाले क्वेस्ट में मैंने कर लिए थे बहुत सारे एप्सरोस को हंट, और उसकी वजह से मेरे पास रॉ मीट की कोई कमी नहीं है। रॉ मीट को कर दिया मैंने कुक और चल दिया मैं बैरोथ के रास्ते पे। ओके बैरोथ कम हियर। नहीं या बहुत ही क्लोज डॉज था वो, और बैरोथ हो चुका है स्टन। वन टू बहुत यार, अब मुझे भी गुस्सा आ रहा है और बैरोथ को भी। कोई दिक्कत नहीं, सही टाइम पे डॉज। कोशिश करूंगा इसके ऊपर एयर बॉर्न अटैक देने की, और नाइस टाइमिंग, मैं चढ़ चुका हूं इसके ऊपर। मॉन्स्टर पे सवार मैं, और ये ट्रू चार्ज स्लैश, बैरोथ डाउन, और वन टू, और ये थ्री। शायद हेड टेंडराइज नहीं था इसलिए डैमेज का नंबर जो है वो बहुत छोटा आया। शोल्डर टैकल करने के चक्कर में हेल्थ बहुत कम हो गई। बढ़िया शॉट, एक और ये पूंछ गई इसकी, पूंछ हो गई इसकी शरीर से अलग। एक और बार नाइस, और एक और सवारी मिल चुकी है। कंसेक्यूटिवली दो सवारी मिली है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी किस्मत, बहुत ही अच्छा एयरबॉर्न डैमेज। शॉट, थोड़े बहुत एलिमेंटल डिस्चार्ज भी आए हैं ग्रेट शॉट से, जैसा कि दिख रहा होगा। सक्सेसफुल ट्रू चार्ज अटैक, एक और बार, और बैरोथ खत्म, नाइस। तो यार कलेक्ट कर लेता हूं मैं पहले इसकी पूंछ, उसके बाद मैं कलेक्ट करूंगा इसका शरीर। पूंछ दिख नहीं रहा, पूंछ ओके, यह है यहां पर इसकी पूंछ। पर जैसा कि तुम देख सकते हो, कव्वे और ये गिद्ध जैसे कुछ प्राणी जिनको कहते हैं स्क्रीमर्स, वो आ चुके हैं और वो बैरोथ के लाश पे चर रहे हैं। तो यही है यार यहां का इकोसिस्टम, और यही है यहाँ का एक छोटा सा सर्कल ऑफ लाइफ।
तो यार क्वेस्ट हो चुका है सक्सेसफुली कंप्लीट, एक एक्सपीडिशन और एक ऑप्शनल क्वेस्ट के बाद एटलीस्ट मिस्ट्री मॉन्स्टर का जो लोकेशन है या फिर मिस्ट्री मॉन्स्टर के जो क्लूज है वो थोड़े बहुत पता चले। एनीहाउ रिसर्च टीम के पास चलते हैं। तो चीफ इकोलॉजिस्ट कहते हैं, हाँ देयर यू आर, आई बीन वेटिंग फॉर यू, आई सी यू आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस विद आवर फील्ड स्टडीज, वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू फाइंडिंग आउट व्हाट दैट मिस्ट्री मॉन्स्टर इज। ओह बाय द वे आई वाज होपिंग आई माइट आस्क यू अ फेवर। Not long ago, a powerful Anjanath was sighted in the Wildspire Waste. I'd like the field team to investigate the Anjanath. After all, Anjanath provide a baseline for all our research. It wouldn't be a proper study without one. I told the chef I was planning to ask you, and then he got all fired up by the idea. He said, said he'd beef up the canteen at least until our Anjanath research is complete. The chef and I share the same core belief, you know. In order to achieve one's goal, you must continue to make significant progress. Although I believe the good chef would word it a little more carefully, colorfully. Anyway, we are counting on you now. So, what is it? तो यार अब अपने को नेक्स्ट क्वेस्ट में हंट करना है एक एंजनाथ डायनासोर बेसिकली। इससे पहले मैं जाऊंगा वर्कशॉप पे, देखता हूँ कि हाई रैंक के हिसाब से मेरे कुछ आर्मर्स या फिर कुछ भी अनलॉक हुए हो कि नहीं। स्मिथि के डायलॉग को करता हूँ मैं स्किप। ओ शायद स्किप नहीं करना चाहिए था क्योंकि एक नया मैकेनिक स्मिथि ने जस्ट बताया है और ये मैकेनिक है डेकोरेशन से रिलेटेड। तो अगर तुम सोच रहे हो तो मैं तुम्हें इस मैकेनिक के बारे में अभी जल्द ही बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं जाता हूँ आर्मर पे। तो यार ऊपर देख सकते हो लो रैंक और हाई रैंक आर्मर हो चुके हैं अनलॉक। तो उस हिसाब से अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं जा सकता हूँ अपने परचेस लेडी के पास क्योंकि हाई रैंक जो है वो अपना अनलॉक हो चुका है और मैं खरीद सकता हूँ जो अपने डिफेंडर अल्फा आर्मर्स थे क्योंकि ये हाई रैंक आर्मर थे जो शुरू में ही अनलॉक थे। और क्योंकि मैंने डीलक्स एडिशन खरीदा मॉन्स्टर हंटर का, मैंने कहा था कि एकदम शुरू में मैं ये पहनूंगा नहीं, तो क्योंकि हाई रैंक तक मैं पहुँच चुका हूँ मैं सारे आर्मर्स खरीद लूँगा और इन्हें कर लूँगा मैं इक्विप। डियाब्लोस का अभी तक मैंने क्यों इक्विप नहीं किया, एनी हाउ कोई नहीं। यहाँ पर जाऊँगा अपने आइटम बॉक्स पे, मैनेज आइटम्स, सॉरी चेंज इक्विपमेंट और कर दूँगा अपने आर्मर को चेंज। ऑल राइट दोस्तों पहुंच चुके हैं क्योंकि हाई रैंक पे, देखता हूं कि अपग्रेड में मुझे कुछ नया अपग्रेड मिलता है कि नहीं। और सेम एज़ यूजुअल अभी तक मैंने कोई मॉन्स्टर ऐसा हंट किया नहीं जिससे मुझे नया अपग्रेड मिल सके, बट कोई दिक्कत नहीं। इक्विपमेंट में मैं एक बार फिर से जाकर चेक करूंगा कोई ऐसा आर्मर है क्या जिससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स पॉइंट्स मिल सके। जोरा मैकड्रॉस में इतना कुछ है नहीं, कैस्टाडॉन ज़रूरत नहीं है और ऊपर और जाके देखते हैं। बोन में मुझे मिल रहा है स्लगर, वैसे और कुछ खास है नहीं यहाँ पर देखने लायक। खैर अपना जो डिफेंडर आर्मर है वही बहुत है, तो मैं क्या करूँगा नया आर्मर कर लूँगा इक्विप। हाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल ही गया, तो अभी क्योंकि मैं आ चुका हूँ हाई रैंक में मैंने एक और फीचर कर लिया है गेम का अनलॉक जो है डेकोरेशंस। तो बेसिकली यार डेकोरेशंस क्या रहते हैं कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं
या फिर कह सकते हो कि कुछ ऐसे ज्वेल्स होते हैं जिनको तुम लगा सकते हो अपने आर्मर पे या तो अपने वेपन पे। डिपेंड करता है तुम्हारे आर्मर पे कितना स्लॉट है या फिर तुम्हारे वेपन पे कितना स्लॉट है। और वो ज्वेल जो है वो तुम्हें बहुत ही स्पेसिफिक पर्क्स प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अभी स्मिति ने मुझे दिया है अटैक ज्वेल, जो अगर मैं कहीं पर भी किसी भी आर्मर पे अगर मैं इक्विप करता हूँ तो मुझे देता है 1 पॉइंट ऑफ अटैक बूस्ट। तो यार कर लेता हूँ मैं इसको इक्विप। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने को और ज़्यादा ज्वेल्स मिलते जाएंगे और ज़्यादा अच्छे आर्मर अनलॉक होते जाएंगे। तो मैं करूँगा पोस्ट न्यू क्वेस्ट असाइंड और टिकल्ड पिंक। वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे है और वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे ये अनयूजुअल है क्योंकि एंजनाथ यूजुअली वाइल्ड स्पायर वेस्ट में मिलते नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे जाऊँगा। कोशिश करूँगा कि मैं इस बार इसको कैप्चर करूँ क्योंकि हाई रैंक का यार पहला मिशन है, पहला हंट है, पहला क्वेस्ट है। और मैं नहीं चाहता कि हाई रैंक के जो क्या कह सकते हैं, हाई रैंक के जो आइटम्स है या फिर मॉन्स्टर लूट है वो मैं कुछ मिस करूं। तो मैं जाऊंगा ट्रेड यार्ड के पास और मैं खरीदूंगा अपने लिए कुछ और ट्रैप टूल्स। तो जैसा कि एकदम शुरू के कुछ एपिसोड से मैंने बताया था, ट्रैप टूल्स को तुम इस प्रोविजनल स्टॉक पाइल के बंदे से खरीद सकते हो। तो मुझे चाहिए ट्रैप टूल और ट्रैप टूल कर लिया है मैंने सिलेक्ट। मैं जाऊंगा अपने आइटम बॉक्स पे, मैनेज आइटम्स पे और देखूंगा कि ट्रैप टूल्स मैं कितना इक्विप कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए दो है तो दो ही बहुत है। तो मैं चल लेता हूँ अपने हंट पे और जैसे ही अंजनाथ कमज़ोर होता है मैं क्राफ्ट कर लूँगा अपने लिए दो ट्रैप्स और अंजनाथ को कर दूँगा मैं कैप्चर। तो यार जैसे कि देख सकते हो स्काउट फ्लाइज जो है पहले ही रास्ता ढूंढने में लगे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरू में ही अपन लोगों ने अंजनाथ के बहुत सारे फुटप्रिंट्स, बहुत सारे क्या कह सकते हैं, उसके क्लूज़ वगैरह कलेक्ट कर लिए थे। और यही रीज़न है अभी के टाइम पे अपने को अंजनाथ को ढूंढने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। इससे पहले मैं खा लेता हूँ कुछ पॉइंट्स ऑफ रेशन ताकि मेरा स्टैमिना बरकरार रहे। तो और अभी जैसे देख सकते हो अपना हेल्थ और स्टैमिना एक ही पॉइंट पे है। शायद मैं उल्टे रास्ते पे चल रहा हूँ लेकिन मैं ब्लेम करता हूँ स्काउट फ्लाइज को क्योंकि उन्होंने मुझे रास्ता नहीं दिखाया। तो यार मुझे बैरोथ दिख चुका है लेकिन मुझे जाना है अंजनाथ तक। करीब है अपन। तो यार ये मिल चुका है मुझे अंजनाथ और ये नॉर्मल अंजनाथ नहीं है जिसको दो हिट में मैं खत्म कर दूं, ये है हाई रैंक का अंजनाथ। बहुत ही बुरी दहाड़ लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने कर दिया बॉल बैंक। ओ जैसे कि यार तुम देख सकते हो जो गैजला काज है, जो मतलब कि वो छोटे छोटे प्राणी थे, उन्हें अंजनाथ को ऐसे करके पैरालाइज कर दिया है। और मैं हो चुका हूं यहां पर पॉइजन, वो इसलिए क्योंकि गैज लगास ने मुझे पॉइजन एरो मार दिया था। थोड़े इसके रास्ते से हट जाता हूं, पॉइजन को मैं कर देता हूं यहां पे और वेट करता हूं अंजनाथ के यहां तक आने का और होपफुली अंजनाथ को मैं पॉइजन कर सकूं। तो देख सकते हो 16-16 का उसको पैसिव डैमेज जा रहा है और अंजनाथ को आ चुका है गुस्सा। शिट।
सही टाइम पे रास्ते से हट गया मैं। एक और शॉट, नाइस। एक और, मिस्ड। इसके पैरों को मैं कर लेता हूँ टेंडराइज, क्योंकि वही एरिया है जहां पर मैं बहुत ज्यादा हिट कर रहा हूँ। तो यार मेरा प्लेयर जो है वो जमीन के अंदर क्लिप होने लगा है। ओके, बुरी कोशिश। पाकड़ बिल्ले ने मेरे को कर दिया है हील। ओके नाइस टर्न। एक और बार पैरों को पकड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको टेंडराइज कर सकूं। टेंडराइज सक्सेसफुल, और अभी दूंगा इसको अच्छा खासा डैमेज। नाइस शॉट। लास्ट शॉट मिस हो गया यार, और मेरी हेल्थ हो चुकी है कम, और मैं यहां से कल्टी लेने की सोच रहा हूं। बहुत ही बढ़िया सेव। गलत टाइमिंग। नहीं 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 नहीं, थैंक यू मार्कर बुल्ले। मार्कर बुल्ला मेरे लिए ही बहुत ज्यादा हिट ले चुका है। एक और बार हो गया ये स्टंट। अब मैं पकड़ूंगा इसके मुंह को और इसके फेस को मैं कर दूंगा टेंडराइज। पूरे टाइमिंग पे डॉज रोल, बहुत ही अच्छा सेव। बढ़िया हिट। एक और, सही टाइम पे डॉज रोल था इसलिए आई फ्रेम हो गए। इसके सर पर एक और। तो यार एंजनाथ की दहाड़ जो है वो बहुत ज्यादा है, और अगर इस क्वेस्ट में मैं इंसेक्ट ग्लेव लेकर के आता तो शायद मैं अपने लिए ईयर प्लग्स क्राफ्ट कर सकता था। क्राफ्ट नहीं, ईयर प्लग्स का मेलोडी प्ले कर सकता था। यार ये छोटे जानवर साइज से हट ही नहीं रहे, और जिनके कारण मेरा क्लच क्लॉ बूस्ट जो है वो लगा ही नहीं। बहुत ही जल्दी खड़ा हो जाता है ये जानवर। एक चाबुक की तरह है इसका पूंछ। एक और शॉट मुंह पे, नाइस। और मॉन्स्टर हो चुका है स्टन। मैं क्या करूंगा, यहां पर चढ़ूंगा, ऐसे कूदूंगा और अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। एक बार फिर से कोशिश। जब तक मैं इस पे चढ़ नहीं जाता मैं कोशिश करता रहूंगा, और सक्सेसफुल। इसको दिए पड़े हम बैकशॉट पे बैकशॉट। और ये नाइस, बहुत ही बढ़िया स्टन, बहुत ही अच्छा मौका। और एक दो तीन, और ये नाइस चार स्लैश। अंजनाथ हो चुका है यार कमजोर, और ये बन चुका है अपने लिए राइप टू कैप्चर। तो मैं क्या करूंगा, निकालूंगा अपना, कहाँ गया, मैं ट्रैप टूल्स लाना भूल गया लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ अपने इन्वेंटोरी पे और देखता हूँ अपने पास ट्रैप टूल्स क्राफ्ट करने के लिए है कि नहीं। हाँ, क्राफ्ट करने के लिए है। तो शायद मैं ट्रैप टूल्स भूला नहीं था, मैंने शायद ट्रैप टूल्स कैंप में ही क्राफ्ट नहीं करे,
तो वही रीजन हो सकता है। तो यार एंजना सो रहा है, बहुत ही आसानी से मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, दो बार इसके सामने पाउडर फेंकूंगा और लगा दूंगा मैं ट्रैप टूल, और एंजनाथ हो चुका है कैप्चर। तर किसी भी हंट को ख़त्म करने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम मॉन्स्टर को मार डालो या फिर उसको कैप्चर कर लो। मैं रिकमेंड करूंगा हर बार मॉन्स्टर को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूट मिलते हैं, मॉन्स्टर के नए अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं। और कैप्चर करने से क्या है ना, मॉन्स्टर का जो रिसर्च लेवल है वो हंट करने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा तुम कैप्चर करोगे उतना कम तुम्हें मॉन्स्टर के ट्रैक्स को या फिर फुटप्रिंट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा एक मॉन्स्टर को एक मैप के अंदर ढूंढने के लिए। तो यार काफ़ी मज़ेदार हंट था वो। ग्रेट स्वॉर्ड से आई गेस ये एंजनाथ को पहली बार हमने हंट किया। तो चीफ इकोलॉजिस्ट कहते हैं, यू आर बैक, आई एम ग्लैड टू सी यू आर सेफ। आई जस्ट वांटेड टू से वंडरफुल जॉब विद एंजनाथ। Everyone here is just thrilled. Thank you. Now we just need to decipher the mysterious new information you have come across. And don't worry, we will. You'll be the first to know the results. In the meantime, keep collecting as much evidence as you can. Our research depends on it. We need to find a lot more evidence of that mystery monster. तो यार मिस्ट्री मॉन्स्टर की और ज़्यादा एविडेंस करने को कहा जा रहा है अपने को, लेकिन इससे पहले चलते एक बार वर्कशॉप पे और मैं देखता हूँ वर्कशॉप पे अपने लिए कुछ नया है कि नहीं। स्मिथी, होपफुली नहीं, अपने को अभी भी अपग्रेड्स मिले नहीं हैं। फोर्ज इक्विपमेंट्स, आर्मर, देखता हूँ एंजनाथ का आर्मर अनलॉक है कि नहीं। एंजनाथ का आर्मर दोस्तों देख सकते हो अनलॉक्ड है। कुछ ऐसा खास स्किल नहीं है जो मुझे पसंद हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आर्मरी लेडी के पास देखते हैं क्या कहना है। हे, यू आर जस्ट द हंटर आई वाज लुकिंग फॉर। आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू स्पेशलाइज्ड टूल बट आई नीड हेल्प विद द मटेरियल्स। कैन आई टॉक यू इनटू मेकिंग अ डिलीवरी टू द रिसोर्स सेंटर फॉर मी। आई हैव प्रोविजन टू पुट असाइड व्हाट आई नीड वंस द क्वेस्ट इज कंप्लीट। व्हेनेवर यू फील लाइक इट, इट्स जस्ट फाइन। तो यार आर्मरी लेडी ने दिया है अपने को एक और एक्स्ट्रा क्वेस्ट, और अभी अपने को ढूंढने हैं और भी ज़्यादा रैथियन ड्रैग्स। तो यार ये एपिसोड और ज़्यादा लंबा ना हो, और क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा फिलर टाइप का था, और क्योंकि रैथियन ड्रैग्स ढूंढते ढूंढते बहुत सारे हंट्स हमने मिस किए, और क्योंकि असली हंट तो असली एंटरटेनमेंट तो हंट्स में ही है। एक्सपीडिशन क्योंकि मैं खेल रहा हूँ मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ दर्शकों को एक्सपीडिशन देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो यार मैं इसके साथ इसी एपिसोड में अलविदा लेता हूँ, और कोशिश करूँगा कि ऑफ स्क्रीन मैं रैथियन के और ज़्यादा ट्रैक्स ढूँढ सकूँ। तो यार रैथियंस के और ज़्यादा ट्रैक्स ढूँढ कर मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ तुम्हें आज का एपिसोड कैसा लगा। और इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। बाय बाय।